एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र कुमार के निर्देश पर डीसी डोडा हरविंदर सिंह के मार्गदर्शन में डॉक्टर हामिद जरगर सीएमओ डोडा की निगरानी में पीएससी अस्सर में एक मेगा आयुष्मान भव मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां मल्टी स्पेशलिटी कंसल्टेंटों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। इस मेडिकल कैंप में 300 से अधिक रोगियों की जांच की गई, एनसीडी स्क्रीनिंग, मुफ्त दवाइयां, मुफ्त डायग्नोस्टिक्स, ABHA ID जनरेशन और साथ ही जनता को जागरूक किया गया। आम जनता ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की, क्या तिबी सुलूते उनके दरवाजे तक पहुंच रही है। जम्मू श्रीनगर फोर लेन हाईवे पर बनिहाल के पास एक अनियंत्रित कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 पैदल यात्री घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी दी कि कश्मीर घाटी से बनिहाल की ओर आ रही एक वैगन आर कार ने बनिहाल टोल प्लाजा के पास पैदल जा रहे 3 लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस और नौगाम के स्वयं सेवकों ने बचाव अभियान शुरू किया और तीनों घायलों को इमरजेंसी अस्पताल बनिहाल में ले जाया गया, जहां से तीनों घायलों की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग रेफर कर दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भाजपा नेता एवं जिला विकास परिषद के सदस्य सुरेश शर्मा ने विकास कार्यों को गति देते हुए विधानसभा छम्ब के ब्लॉक चौकी चौरा के पंचायत मजूर के सुंडल चंग में 1,07,00,000 की लागत से बनने वाली सिंचाई की नई परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि इस पिछले और दूरदराज क्षेत्र में रहने वाले किसानों को सिंचाई की ये नई परियोजना बहुत लाभ पहुँचाएगी। इस परियोजना के माध्यम से किसानों के खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचेगा और कृषि के क्षेत्र में भरपूर लाभ होगा। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के कीरू जल विद्युत परियोजना में रिश्वतखोरी के मामले में 4 शहरों में 6 ठिकानों पर छापेमारी की। परियोजना के लोक निर्माण कार्य के लिए 2,200 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था, जिसके खिलाफ राज्य के उस वक्त के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आवाज उठाई थी। सत्यपाल मलिक ने 2 परियोजनाओं को मंजूरी के एवज में 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की शिकायत की थी। वर्ल्ड कप फाइनल में कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगाने और इंडियन क्रिकेट टीम की हार का जश्न मनाने के आरोप में UAPA के तहत गिरफ्तार 7 छात्रों पर से आतंकवाद विरोधी कानून के हटाए जाने के बाद बीते दिन अदालत ने जमानत दे दी। पुलिस ने CGM कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें UAPA आरोप हटा दिए गए। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के माता पिता के आश्वासन के बाद विचार विमर्श के बाद पुलिस ने UAPA के आरोप हटा दिए। रजौरी जिले के दरहाल पुलिस थाने के अंतर्गत टोपा हिल टाक इलाके में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को 5 किलो IED मिली है। इसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। SDPO खलील चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों के खात्मे के लिए शनिवार सुबह से तलाशी अभियान शुरू किया गया था। टोपा हिल टाक इलाके में संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देने पर सेना, CRPF और पुलिस ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया हुआ है। डिसेबिलिटी दिवस के मौके पर अखनूर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के दौरान विकलांगों ने पेश आने वाली समस्याओं के बारे में पूर्व मंत्री को अवगत करवाया। वहीं विकलांग संघ के चेयरमैन सुशील शर्मा ने कहा कि हमारी कई समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। वहीं पेंशन के मुद्दों को लेकर विकलांगों को भारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत पर अखनूर कस्बे के मेन चौक में भाजपा के पूर्व विधायक राजीव शर्मा की देखरेख में हलवा बांटकर खुशी मनाई गई। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के लोगों का विश्वास व विकास पर वोट दिया है। इस मौके पर भाजपा के कई नेता मौजूद थे। आज 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर कल्पना कला केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि थे।
कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने जीवन में चुनौतियों पर काबू पाकर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने वाले दिव्यांग जनों को सम्मानित किया। साथ ही दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाली संस्थाओं को भी उपराज्यपाल ने सम्मानित किया। देश के तीन बड़े राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जम्मू बीजेपी कार्यालय त्रिकुटानगर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की अगुवाई में खुशी मनाई। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की जीत है। देश की जनता और किसी बहकावे में न आकर देश के विकास को प्राथमिकता दे रही है। ओबीसी जातिवाद से ऊपर उठकर जनता ने बीजेपी के विकास को वोट दिया है।